पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अच्छा ट्रेलर लगा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया लोगों की तरफ से। थैंक यू। जानना चाहूंगा आप लोग दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में, किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ताज़ा खबर के लिए, जो बहुत ही जल्द 6 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने जा रहा है। और मेरा कैरेक्टर है महबूब भाई का। इस टाइप का कैरेक्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। इसमें मेरा अलग ही गेटअप है, फ्रेंच बियर्ड है और लाल हीना वाले बाल हैं, और ये तो फिर भी ऊपर वाला यू नो गेटअप है। बाकी अंदर से अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इस टाइप का किरदार मैंने आज से पहले कभी नहीं निभाया। इसमें कॉमेडी मेरे हिस्से बहुत कम आई है, पर उसी बात की मुझे खुशी है। थोड़ा सा इमोशनल किरदार है, दिल को छू जाने वाला किरदार है। ये एक अंडा पाव बेचने वाला, घर घर जाकर साइकिल पे जाने वाला महबूब भाई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है और ये शो बहुत प्यारा है। और मेरे साथी कलाकार प्रथमेश, भुवन बाम, श्रिया, सब लोग एक से बढ़कर एक हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। मुझे तो ट्रेलर का बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, और मुझे ऐसा लगता है कि भुवन के लुक्स उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वस्या के, और सर का जो एक पंच है उसमें वो क्या मार के आया क्या वो उस पर भी बहुत लाफ्टर आया उस पर। और मेरा जो कैरेक्टर है पीटर नाम का कैरेक्टर है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं ना गैंग में जिनको हम थोड़े अनोइंग होते हैं, मतलब ये नहीं आए तो चलेगा यार, मतलब इसको मत बुलाओ, लेकिन वो नहीं आता तो उसको मिस करते। तो वैसा पीटर है, वैसे कैरेक्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि महबूब भाई और उसका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो महबूब भाई उसको चिल्लाते रहते हैं हर टाइम, और वो पीटर भी उनकी खींचते रहता है बार बार। और वस्या के साथ भी उसका बॉन्डिंग है, मतलब भुवन के साथ भी बॉन्डिंग है, श्रेया के साथ भी बॉन्डिंग है। अब भुवन के साथ ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे से कभी रिस्पेक्ट से बात ही नहीं करते, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसके लाइफ में तो पहले आके वो पीटर को बताएगा, और पीटर के लाइफ में कुछ हो जाए तो वो वस्या को आके बताएगा, और उसका सोल्यूशन महबूब भाई देंगे। तो ऐसा एक बॉन्ड है हम सबका। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ जो है ना वो लोगों को इतनी अच्छी लगी क्योंकि बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स है। सबके दिल में ऐसी चाहत है कि हम कहीं से भी पैसा कमा लें और अपने सपने जो है वो पूरे करें। अब सीरीज में क्या होता है वो आपको देखने मिलेगा। चेजान पे काफ़ी ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस है, कुछ हद तक फैंटेसी है, मिरेकल्स है, और डिलेमा है, प्रिंसिपल्स एंड बहुत सारा रोमांस है, बिट्रेयल है, फ्रेंडशिप है, बहुत कुछ है। जी हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी ऑडियंस का और मेरे नसीब का भी कि मुझे टेलीविज़न में बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला और ऑडियंस ने सराहा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। चाहे वो देख भाई देख का करीमा हो, या बाबू और बेबी का गट्टू हो, या ऑफिस ऑफिस का पटेल हो, या लेटली जो भाकरवड़ी के अन्ना, सारे किरदारों को बहुत लोगों ने प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। और अभी मैं पिछले 2 साल से टेलीविज़न का ब्रेक लिया है मैंने, क्योंकि मैं OTT प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और ताज़ा खबर से ही इसकी शुरुआत होगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले महबूब भाई। उससे ज़्यादा रिस्पांस मैं सोच रहा हूँ आएगा, क्योंकि अभी ये हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखेगी, नो डाउट टाइम पास का भी एक हिंदी ऑडियंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भुवन बाम एक बहुत बड़ा नाम है, तो भुवन बाम की वजह से बहुत लोगों के तक हमारी एक्टिंग भी पहुंच जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत मतलब बाहर भी लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और डिज्नी हॉटस्टार पे आएगी और लोगों तक पहुंचेगी, लोग और प्यार करेंगे, और कैरेक्टर्स भी सबके अच्छे लगेंगे। ऐसे नहीं कि कोई एक एक्टर आके कुछ बैटिंग करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है सीरीज़ में। मेनली इसका जो हीरो है वो स्टोरी है, और वो स्टोरी ही रहेगी मुझे ऐसा लगता है। और अभी तो स्टोरी का ज़माना है, तो स्टोरी अगर अच्छी हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वो कैरेक्टर्स भी लोगों को रिलेट करते हैं और फिर स्टोरी भी लोगों को अच्छी लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी बहुत बढ़िया है और लोग देख के उसे प्यार करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कैमरा भी देखना।
सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ है आपकी मूवी सीरीज के बारे में बात करें, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि मरीन ड्राइव का एक पोस्ट डाला हुआ है आपने, 11 साल बाद काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, इंस्पिरेशन बन चुके हैं आप लोगों के, उसके बारे में कुछ बताएंगे कैसी है? यार वो हो गया बस, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं आपको पता नहीं चलता कैसे, वो भी मेरे को कैलकुलेटेड नहीं था। जिस दिन हम शूट कर रहे थे मरीन ड्राइव पे, उस दिन मुझे हिट किया कि अरे यहाँ सेम स्पॉट पे तो मैं 11 साल पहले आ चुका हूँ। फिर मैंने ढूंढा फेसबुक पे, एक पोस्ट डाला था मैंने 11 साल पहले, वो फोटो मैंने देखी, मैंने कहा सेम डे की है वो, मतलब इसी जगह की है। तो मतलब वही है, हो जाता है जो होना होता है, आप कभी प्लान नहीं करते चीज़ें। ट्रेलर की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड ओटीटी की मैं बात करूँ स्पेशली यू गाइस आर द नंबर वन ऑन द ओटीटी, कोई भी सीरीज की बात करें, डिंडोरी की बात करें या फिर आपकी कोई भी सीरीज, मैं जानना चाहूँगा कि अब तक किस तरह के रिस्पॉन्स लोगों से मिला है, आपसे स्पेशली जानना चाहूँगा सर ने क्या रिस्पॉन्स दिया योर डैड? He absolutely loved it because recently इस साल मैंने जो Guilty Minds और Broken News किया है वो ड्रामा या थ्रिलर जॉनर में आता है, whereas want me to repeat that? Yeah? Okay. So recently in 2022 मैंने जो Guilty Minds और Broken News में किरदार निभाए, that was I would say drama thriller, and ताज़ा खबर जो हमारी सीरीज़ है it's a drama and comedy, it's dramedy, that's how I think of it, aur mera look bahut alag hai, you know I'm playing a sex worker, it's my first time, to mere parents ko bahut acha laga aur ek vibe bhi alag hai hamari series ki, it was amazing and working with this man right here was incredible. Bhuvan ji main baat karun dindora mein every week we have to wait for the series, ek show aata tha 6 tarikh ko pura aane wala hai, we have to wait continue sare ek saath, matlab baitho to baithe hi raho fir mujhe nahi paoge aap 3.5 घंटा या 4 घंटा जितने भी हैं बैठ के पूरा देखना है। और जिस तरह का सक्सेस डिंडोरा को मिला, किस तरह के लुक ओवर करते हैं इस प्रोग्राम में? मैं कह रहा हूँ हर प्रोजेक्ट ऐसा ये नहीं बनाते हम कि ये हल्का है ये एवरेज है, जी जान सब में लगती है, अब देखने वालों पे है कि जनता को उस मूड के हिसाब से कैसा लगता है शो, और उम्मीद ही कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा लगे लोगों को शो, बस यही है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर। हाँ यार ये रोल हुसैन भाई अब्बास भाई ने लिखा है ये शो, और उन्होंने मुझे बोला कि वस्या प्ले करना है, तो वहीं से कहानी शुरू हुई, वहीं से लिखावट शुरू हुई, शो डेवलपमेंट चालू हुआ है, और फिर ग्रेजुअली हमने कहा मधु कैसे किसको कास्ट करें, और फिर जो पहला नाम आया वो श्रिया जी का आया, एंड देन फाइनली फिर वो बैठ के वहाँ चटकारे भर रहे महबूब भाई हमारे, तो धीरे धीरे करके पूरी कास्ट बनी और पूरा शो विद इन अ ईयर हमने बना। और जेन्युइनली कहानी बहुत मजेदार है, ऐसे ही नहीं कह रही हूं, अगर इवन इफ आई वाज नॉट इन द शो, अगर मैं ये शो देखती मुझे उतना ही मजा आता। एंड हाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ द सेक्स और द हैव यू गॉन टू एनी पीपल टू टॉक? आई डिडंट हैव टू डू दैट बिकॉज़ जब आप शो देखेंगे यू विल सी इट्स मोर अबाउट हर लाइफ आउटसाइड द ब्रॉथ है। यस आप देखिए ना वो सब देखिए सारे जवाब मिल जाएंगे। मतलब हाथ इतने बंधे हुए हैं अभी हां कि मतलब लिटरली ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत चीजें बताना चाह रहा हूं, बट हाँ अभी बता नहीं सकते, शो आएगा तो हाँ 6 तारीख को मजा आएगा। ओटीटी क्वीन भी कहा जाता है आपको, कौन कहता है ये? सब कहते हैं, मैंने सुना है। आपकी सारी चीजें को काफी सराहा जाता है, आपकी नई प्रोजेक्ट जब आपके पास आती है आप उसके लिए कितना प्रिपेयर करते हैं कि ऑडियंस ज्यादा एक्सेप्ट करने लगती है आपकी पिछली चीजों से? जी नहीं, आई थिंक मेहनत तो उतनी ही लगती है, बस मेरी कोशिश होती है कि मुझे कभी स्टीरियोटाइप नहीं होना है, तो इसलिए मैं ऐसे किरदार सिलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ जो अलग हैं, अलग अलग जॉनर्स में हैं, कभी ड्रामा कर लिया, कभी रोमांटिक कॉमेडी कर ली, सो कोशिश वही रहती है, बट ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी। एक आखिरी सवाल, 6 तारीख को नए साल से नई सीरीज की शुरुआत है, हमारे लोगों को एक आखिरी मैसेज कौन से? नहीं आप 6 तारीख को आ जाएगा ताज़ा खबर, 6 जनवरी को बैठ के देखना अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और बताना जिस जिसको मिलो उसको बताना कि ऐसे शो आया है ताज़ा खबर करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और नया साल है तो नए साल में परिवार के साथ रहो, खुशी मनाओ, खुद को प्रॉमिस आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, और खुद को खुश रखो, आप खुश हैं तो बाकी सब खुश हैं। थैंक यू।